नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं सब लोग? आज हम लोग आए हैं भरतपुर में। भरतपुर गुड़गांव दिल्ली से 3.5 घंटे का रास्ता है, और यहाँ पे आज हम मॉर्निंग में खड़े हैं करीब 9 बजे लोहागढ़ फोर्ट पे। लोहागढ़ फोर्ट जो है काफ़ी बड़ा फोर्ट है एक यहाँ पे भरतपुर में, और फेमस जगह है। यहाँ पे इसका एक म्यूज़ियम भी है जो करीब 12 बजे ओपन होता है, 12 से शाम को 8 बजे तक। हम लोग अभी सुबह जल्दी हैं, तो यहाँ पे जवाहर बुर्ज है जो यहाँ के राजा थे उनके नाम पे बुर्ज रखा गया है, जहाँ से पूरा का पूरा शहर दिखता है और पूरा फोर्ट दिखता है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कैसा है यहाँ पे। हमारे होटल से लोहागढ़ फोर्ट करीब 10 मिनट का रास्ता था, और लोहागढ़ के अंदर एंटर करने के करीब 8-9 दरवाजे हैं। हम लोग मॉर्निंग में 9 o'clock यहाँ पर पहुँच गए थे। हमने यहाँ पे एंटर किया और सामने जब आप आते हैं तो एक म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम मॉर्निंग में बंद रहता है, अराउंड 12 बजे ओपन होता है। तो यहाँ से साइड में एक है जवाहर बुर्ज, जो हमने यहाँ से लोकल लोगों से पता किया। जवाहर बुर्ज पे जाके आपको यहाँ से पूरा का पूरा सिटी का व्यू दिखता है, और आसपास का पूरा जो फोर्ट है वो भी दिखाई देता है कि कहाँ पे क्या चीज़। ये सामने जो पानी भरा हुआ है ये पूरे फोर्ट के चारों तरफ भरा हुआ है। ये बनाया गया था इस फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेडर्स से, और जिसकी वजह से ये फोर्ट कभी भी जीता नहीं जा सका। आज इस फोर्ट के अंदर ही काफ़ी सारे लोग बसते हैं और काफ़ी सारी शॉप्स हैं। ये एक लोहे का स्तंभ लगा हुआ है यहाँ पे बुर्ज के ऊपर, और इसके ऊपर अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे नाम लिखे हुए हैं इस पूरे स्तंभ पे। लोहे का है ये। ये जितने भी हैं महाराजा रहे हैं उनका जो पूरा फैमिली ट्री है वो है। बुर्ज से ये पूरा का पूरा आपको भरतपुर शहर दिख जाएगा, और ये जो उसके चारों तरफ जो मैंने वाटर प्रोटेक्शन लेयर आपको बोली थी, जो अभी मैंने आपको दूसरे साइड से दिखाई थी, अब यहाँ पे है। और चारों तरफ बाकी हरियाली वगैरह भी है इस फोर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा, पर बाहर की तरफ तो पूरा शहर बसा हुआ है। फोर्ट काफ़ी अंदर जो है वो शांत है, पर इसके अंदर ही काफ़ी ज़्यादा लोग भी रह रहे हैं। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं। ये जो सामने दिख रहा है ये है किशोरी महल है। किशोरी महल भी अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे, जो हमने पता किया है, और उसके पास में ही एक बिहारी जी का मंदिर है जो यहाँ पर कहते हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो वो भी चेकआउट करेंगे। मैं यहाँ पे एक रात पहले ही आ चुका था, 3-3.5 घंटे लगे थे मुझे गुड़गांव से यहाँ पहुँचने में। और मैं यहाँ पे होटल में जब स्टे किया उसके बाद मैं अगले दिन मॉर्निंग में यहाँ पे आया था। तो बेटर है आप लोग भी यहाँ पे मॉर्निंग में आएँ, बिल्कुल शांत मिलेगा, खाली मिलेगा, आप लोग एंजॉय कर पाएंगे प्रॉपरली। लेट आएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। जवाहर बुर्ज से करीब करीब 700-800 मीटर आगे ये है किशोरी महल, जो इस टाइम पे सेक्रेटेरिएट बना दिया गया है। यहाँ पे महाराजा सूरजमल की स्मारक भी है। अभी हम मॉर्निंग में आए हैं, संडे का दिन भी है तो काफ़ी शांत शांत है। मुझे लगता नहीं है कि दोपहर तक यहाँ पे इतना शांति रहेगी। अंदर चलते हैं देखते हैं क्या क्या है।
किशोरी महल के बिल्कुल अपोजिट में ये महाराजा सूरजमल का एक स्टैचू बनाया गया है और बहुत ही औसम है। और इसके आसपास बहुत सारे शिलालेख टाइप के बनाए हुए हैं जहाँ पे पूरी की पूरी स्टोरी लिखी गई है महाराजा सूरजमल जी के बारे में, उनके बाद उनके जो वंशज हुए उनके बारे में, तो सारी डिटेलिंग यहाँ पे है। और लोहागढ़ फोर्ट जो बनाया गया उसके बारे में पूरी डिटेलिंग है। जहाँ पे इनकी ये प्रतिमा लगी हुई है वहाँ पे ऐसे बहुत सारे शिलालेख जिन्हें बोलते हैं ये बनाए गए हैं। चारों तरफ यहाँ पे महाराजा सूरजमल, महाराजा बदन सिंह, उनके वंशज, महाराजा जय सिंह सबके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे जब आप एंटर किया था, हमने एंटर करने पे हमें यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई दिखती हैं, जहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो लोहागढ़ फोर्ट है 1732-33 के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और इसमें कई दरवाजे हैं। अहमद शाह अब्दाली का यहाँ पे हमला हुआ, इसको इस तरीके से बनाया गया था कि ये कभी जीता नहीं जा सका, कोई इसे इन्वेड नहीं कर सका। कई बार हमले हुए इसके ऊपर इन्वेड करने के लिए, पर इसके अराउंड जो मैंने आप लोगों को भी दिखाया था थोड़ी देर पहले कि जो एक खाई टाइप की बनाई गई है जो पानी का है पूरा, एक नहर टाइप की, वो 250 फीट चौड़ी है और 20 फीट गहरी है और पानी से भरी हुई है। उसके अंदर से जो मिट्टी निकली उस मिट्टी से कंस्ट्रक्शन की गई यहाँ की दीवारों की। ये है किशोरी महल जो इस टाइम पे सेक्रेटेरिएट लिखा हुआ है। यहाँ पे सूरजमल जी ने ये महल बनवाया था, बट इसके अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, वहाँ पे एक सिक्योरिटी के लिए पुलिस ऑफिसर बैठे हैं, उन्होंने कहा यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है अंदर जाना, पर दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अंदर जाने का चांस मिलता तो ज़्यादा अच्छा व्यू मिल पाता हमें आसपास का, बट कोई नहीं, जगह काफ़ी अच्छी है, आप लोग अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, वन डे ट्रिप के लिए बहुत अच्छी जगह है। गुड़गांव दिल्ली से नियर बाय भी है, आप 3-3.5 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। 180 किलोमीटर्स का डिस्टेंस पड़ता है। ये है जो लोहागढ़ का कंस्ट्रक्शन हुआ, कैसे कैसे हुआ है। लोहागढ़ के 10 बड़े दरवाजे हैं, मथुरा पोल, वीर नारायण पोल, अटल बंद पोल, नीम पोल, अनहा पोल, कुम्हेर पोल, चंद्रपोल पोल, गोवर्धन पोल और सूरज पोल। ये सारे दरवाजे हैं यहाँ से एंटर करने के। और यहाँ पे बहुत सारी तोपें रखी जाती थी प्रोटेक्शन के लिए, और एक बहुत बड़ी तोप थी जब हम आए थे एंटर किया तब वहाँ पे थी, जिसका गोला था 48 पाउंड का होता था। और उसके बिल्कुल सामने रोड से आगे आ जाओ तो वहाँ पे आता है ये बाकी बिहारी जी का मंदिर। ये बिहारी जी का जो मंदिर है ये फोर्ट के अंदर ही है और बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं इनको, क्योंकि ये ब्रिज भूमि के अंदर ही पड़ता है, मथुरा के पास है। मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है और कुछ कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे चल रही थी। रास्ते में आते टाइम मथुरा से मेरा बहुत मन था वृंदावन जाने का, बट टाइम इतना था नहीं तो बाकी बिहारी जी ने हमें यहीं बुला लिया। और इतना अच्छा टाइम था कि हम लोग जहाँ पहुँचे तो उस टाइम आरती हो रही थी। ये है पहाड़ से फोर्ट का व्यू, ये देख रहे हो आप लोग, ये इतनी चौड़ी यहाँ पे
नहर टाइप की बनाई गई है, कहते हैं 20 फीट गहरी है, 250 फीट चौड़ी है, और ये पूरे के पूरे फोर्ट के चारों तरफ है। और ये फोर्ट की ऊंची ऊंची दीवारें, और इसमें जो होल्स दिख रहे होंगे आपको, इन होल्स के थ्रू ही लगाई जाती थी तोपें ताकि अंदर ना एंटर कर सके। ये देखिए दूसरी साइड, ये है एंट्री गेट इसका। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी केवला देव नेशनल पार्क, जो कि भरतपुर सिटी से 2.5 या 3 किलोमीटर बाहर की तरफ है, मेन रोड की तरफ। काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है, यहाँ की जो टिकट है वो 120-124 रुपीज़ की है पर पर्सन की, और इसके अंदर घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। हमने साइकिल ली जो हमें 150 रुपीज़ की पड़ी थी। हम लोग दो दोस्त थे तो इसलिए हम लोगों ने साइकिल ली, ये सोच के कि कुछ तूफ़ानी करेंगे, कहीं भी मन करेगा वहाँ पर साइकिल उतार देंगे, अंदर तक घूम के आएंगे। पर जर्नी स्टार्ट करते ही हमारे साथ तूफ़ानी हो गया, हमने जो साइकिल ली उसका पैडल स्टार्ट करते ही टूट गया, और हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर करना पड़ा इस चक्कर में। थोड़ा रास्ता मैंने साइकिल चलाई, उसने मुझे पकड़ रखा था, फिर उसने चलाई और मैंने उसे पकड़ रखा था, एंड में हम लोगों ने खुद ही अपने आप को एडजस्ट किया और बिना पैडल के ही साइकिल चलाई है। एक टांग तो हमारी बहुत ज़्यादा दर्द करी क्योंकि एक टांग पे ही ज़्यादा जोर लग रहा था। तो पूरे रास्ते जो रोड है, आप रोड पे चलते रहेंगे, दोनों तरफ पानी भरा हुआ है, और कभी एक तरफ पानी होता है और दूसरी तरफ सिर्फ जंगल टाइप का है, जहाँ पे आपको बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स दिखेंगे जो आप अभी देख रहे होंगे वीडियो में। अलग अलग स्पीशीज़ हैं यहाँ पे, बहुत अलग अलग कलर्स के हैं, वाइट हैं, यहाँ पे नीलगाय भी हमें देखने को मिली। अगर आप लोग रिक्शा करते हैं या टांगा करते हैं तो वो आप लोगों को सिर्फ मेन रोड पे ही लेके जाएंगे, इतना कोई अंदर नहीं लेके जाएंगे। तो अगर आप लोग एडवेंचर करना चाहते हैं तो साइकिल लेके खुद निकल जाइए अंदर की तरफ। और तूफ़ानी करने के चक्कर में मिला भी काफ़ी कुछ तूफ़ानी, यहाँ पे हमें जंगली सुअर देखने को मिले। एडवेंचर के चक्कर में हम जहाँ पर उतरे थे वहाँ पर हमें रास्ते में ही एक फॉक्स भागती हुई दिखी, हमने थोड़ा सा उसका पीछा किया तो एक और भी दिखी हमें, हमने थोड़ा सा पीछा किया पर फिर वो जंगल के अंदर घुस गए। थोड़ा सा अंदर भी गए हम बट हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं। थोड़ा आगे चलने पे हमें ये एक टाइप का शमशान टाइप का दिखा जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जानवरों की हड्डियाँ पड़ी थी। आगे है 3, ये है 4, सींग तो गाय जैसे ही लग रहे हैं, या नील गाय होगी। काफ़ी दूर तक बिखरे हुए हैं। एक चीज़ समझ नहीं है कि ये इतने बड़े ग्राउंड के अंदर इतने सारे जानवर कैसे मरे हुए हैं, या तो यहाँ पे कोई ऐसा जानवर है जिसने शिकार किया बट वो एक जगह कैसे शिकार किया है, और पूरी हड्डियाँ फैली हुई हैं चारों तरफ, बहुत सारे सिर पड़े हुए हैं, यहाँ भी हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने जादू टोना कर दिया हो यहाँ पे। गाय के सिर एक तो दिखाऊंगा आपको, ऐसा परफेक्टली प्लेस्ड है, उसको देख के तो ऐसा लग रहा होगा जैसे आसपास कोई बैठ के यहाँ पे जादू टोना ही करता हो, ये सामने ही है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो यहाँ पे। क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि एक इतने बड़े ग्राउंड के अंदर ही कैसे ये 6-7 सिर पड़े हुए हैं, ये कैसे एक साथ मर सकते हैं एक ही जगह पे। ये वाला थोड़ा और आगे चलने पे मेरे को यहाँ रोड के पास कुछ हिरन दिखे, मैं अपनी साइकिल से उतर गया, आराम से चलने लगा, बट वो अलर्ट हो गए और भाग गए अंदर की तरफ। और इसी रोड पे आगे थोड़ी एक नीलगाय भी खड़ी थी, वो नहीं हटी, वो आराम से फुल टोरे में घूम रही है, और ये ऐसे डर के भागे, पता नहीं से पकड़ के खा जाऊंगा मैं इनको यहाँ से, मेरे को मैं थोड़ा आ गया। हम लोगों से एक गलती और हुई कि हम लोग यहाँ पे ना पानी लेके गए साथ में पीने के लिए, और ना कुछ खाने को लेके गए, और मॉर्निंग में सिर्फ हमने एक एक पराठा ही खाया था। तो आप लोग भी जाएं तो ध्यान रखें कि कुछ ना कुछ अपने साथ खाने का और पीने का लेके जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है।
हम लोगों को बहुत प्यास लगी, ऑलमोस्ट हम घूम चुके थे। इसके बाद हम लोग वापस निकले एग्ज़िट की तरफ, और रास्ते में ही एक जगह हमें कैंटीन दिखी जहाँ पे हमें पता था कि पानी मिल जाएगा, तो हमने यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे पानी पिया हमने। और यहाँ पे एक मंदिर भी था, और पूरा का पूरा एक पानी का यहाँ पे घिरा हुआ है, और इसके सामने ही कैंटीन है। आपको चाय, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट वगैरह ये सब आपको खाने को यहाँ पे मिल जाएगा। और काफ़ी यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र्स आए हुए थे, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र्स, जो यहाँ पे बैठ के फ़ोटोज़ खींच रहे थे इन बर्ड्स की। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ से, व्यू बहुत शांत था। यहाँ पे वॉच टावर भी बनाए हुए हैं जिन पे लोग चढ़ के देख रहे थे, और ये जो व्यू था ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था केरला का जैसे व्यू हो, अगर आप देखा हो, आपने कभी केरला गए हो या फिर फ़ोटोज़ में भी देखा हो। हम यहाँ पे 15-20 मिनट रुके, पानी वानी पिया, देन हम लोग वापस निकल गए एग्ज़िट की तरफ, बिकॉज हमें फिर अपने घर भी टाइम पे पहुँचना था। 3-3.5 घंटे नेशनल पार्क के अंदर घूम के हम लोग फाइनली बाहर की तरफ आ चुके हैं। गेट बिल्कुल सामने 200 मीटर्स पे है, और जगह काफ़ी अच्छी है। भरतपुर वन डे ट्रिप के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप लोग ज़रूर आइए। और नेशनल पार्क के अंदर अगर आप लोगों को आना है तो यहाँ पे ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, एक बैटरी रिक्शा भी है और टांगा भी है, रिक्शा भी है, पर मेरे ओपिनियन के अंदर आप लोग साइकिल लेके आएँ, क्योंकि रिक्शे वाले आपको सिर्फ मेन रोड के ऊपर लेके जाएंगे, अंदर की तरफ नहीं लेके जाएंगे। और पैदल आने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ा पार्क है, आप लोग थक जाएंगे। और साइकिल लेने से पहले इंश्योर कर लीजिएगा साइकिल के सारे पार्ट प्रॉपर वर्किंग कर रहे हों। हमारी साइकिल का पैडल ये देख सकते हैं आप, पैडल टूट गया था स्टार्टिंग में ही जब यहाँ से निकले थे, बहुत परेशानी हुई है एक टांग पे चलाने की, और ऊपर से साइकिल में हवा भी कम थी टायर में, तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और तो हम लोग निकलेंगे अब यहाँ से थोड़ी देर में घर की तरफ, आप लोगों को समझ लेंगे नेक्स्ट टाइम पे। आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे एक फैमिली जा रही है, ऐसे बहुत सारे लोग गए हैं पैदल, जिनको लग रहा था कि छोटा है बहुत बड़ा है, साइकिल के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो पैदल जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। और अगर आप लोगों को एडवेंचर चाहिए तो ज़रूर साइकिल लेके जाइएगा, जितने भी यहाँ पे कट्स पड़ते हैं उसके अंदर जाइएगा, तभी आपको प्रॉपरली चीज़ें देखने को मिलेंगी, अदरवाइज़ मेन रोड पे तो इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, किसी और जगह जाएंगे, तो तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय। और जिन लोगों ने अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, बाय।